गर्मी प्रचंड है, लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन मजबूरियों को साथ लेकर। इस तपती गर्मी में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसी के साथ लू के थपेड़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर कदम रखते ही मानो आसमान से आग बरस रही हो। दिल्ली हो, बनारस हो, भोपाल हो या फिर रायपुर, गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन धूल के गुबार से लोगों की परेशानी अब भी बढ़ी हुई है। हुआ है जैसे अभी एयरपोर्ट का जो रिपोर्ट है पालाम का और जैसे दिल्ली सिटी का, तो 3 से 4 डिग्री का राहत मिलेगा। और कल जो 48 जो रिकॉर्ड टूट गया सारा, मतलब पालाम का जो जून महीना का, तो आज जो है 45 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो दिल्ली में तो राहत है और आगे भी कल और आपको 43 अलार्म और सर्वजन 42 ऐसे, मतलब अगले 2 दिन में बिल्कुल हीट हो जाएगा। और हाल सिर्फ दिल्ली वालों का ही बेहाल नहीं है बल्कि कोलकाता में भी लोगों को गर्म हवाओं के थपेड़ों से रूबरू होना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी गर्मी का भयानक असर देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां आर्द्रता 80% से ज्यादा है तो वहीं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में फिलहाल अलर्ट साउंड कर दिया गया है, ये कहकर कि गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, आर्द्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और बाकी सारे इलाकों से जो गर्म हवा आ रही है ये लगातार बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से आर्द्रता और गर्मी दोनों बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में बीच बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत राहत मिले, क्योंकि हो सकता है कि बारिश की संभावना हो लेकिन वो सेकेंड हाफ में ही होते हैं दिन के। इन सब के बीच में बंगाल में स्कूल्स जहां पर अतिरिक्त छुट्टियां दे दी गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये अनाउंसमेंट भी कर दिए गए हैं कि लोग जितना हो सके घर में रहें, गर्मी से परेशान होने की वजह से पानी पीते रहें और उसके साथ साथ गर्मी से निजात पाने के लिए सारे तरीके अपनाएं, घरों में रहने की कोशिश करें। गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। और ये माहौल सिर्फ कोलकाता का ही नहीं, पूरे बंगाल का, उड़ीसा में भी इसी तरह से थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है लेकिन गर्मी का प्रकोप बरकरार रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर असम में भी गर्मी का कहर फिलहाल जारी है। मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है, गर्मी के कारण लोग परेशान हैं और लोगों को इस गर्म हवाओं के बीच सड़कों पर अपने काम के लिए निकलना पड़ रहा है। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में सूरज का कहर इस तरीके से बरपा है कि मध्य प्रदेश के नौगांव में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और अकेले नौगांव ही क्यों, बात अगर हम करें छतरपुर की, दमोह की, रीवा की, सतना की, तमाम जगहों पर पारा जो है वो एक तरीके से छलांग मार रहा है, ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहा है नीचे आने की बजाय। क्योंकि छतरपुर के खजुराहो की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये भोपाल का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे राजा भोज की मूर्ति लगी हुई है और ये एक तरीके से भोपाल की पहचान है। बड़े तालाब पे ये सेल्फी पॉइंट माना जाता है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग सुबह से पहुँचते हैं फोटो खींचने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं तालाब तो सूख ही रहा है लेकिन उसके साथ ही इस पर्यटन स्थल की तस्वीर भी पहले के मुकाबले अब बिल्कुल उलट है। तेज़ लू चल रही है, धूप है काफ़ी ज़्यादा और तापमान इतना ज़्यादा कि लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 12 जिलों में तीव्र लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में इस वक्त गर्मी का कहर टूट रहा है। इस बीच गर्मी के ही कारण दिल्ली से झांसी की ओर जा रही केरला एक्सप्रेस में यात्रियों की मौत हो गई। सभी यात्री घूमने के लिए आए थे और स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। इनका ग्रुप चलाता था भ्रमण के लिए, 68 आदमी थे जिसमें कोयटम तमिलनाडु से। तो कल दिनांक 10/6 को ये लोग अपने कोटुम जा रहे थे आगरा से केरला एक्सप्रेस से। एक आदमी का अचानक तबीयत ख़राब हो गई, सूचना मिली, सूचना पर जाकर वहाँ देखा तो वहाँ पर 3 आदमी की डेथ हो गई थी। एक आदमी बीमार था, उसको उतार करके उसने भेजा, उसकी वहाँ उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई मेडिकल में। सर मौत का कारण क्या बताया जा रहा है? मौत का कारण बताया जा रहा है अधिक गर्मी के कारण मौत होना संभव है। गर्मी अब जानलेवा हो गई है, इस गर्मी के कारण लोगों की जान तक पर बनाई है। ऐसे में बस उम्मीदें टिकी है तो इंद्र देवता पर, कब बारिश होगी और कब राहत मिलेगी।